वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इट्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो है, बोर्जन पे सेल चल रही है अप टू 50% ऑफ, और ये इनकी विंटर की क्लियरेंस सेल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम देसीड्स व्लॉग को वॉच कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और ऑल के ऑप्शन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और सबसे मज़े की बात यह है कि बोर्जन के ऊपर ना तो सिर्फ जूतों के ऊपर सेल है बल्कि इनकी ज्वेलरी, इनके स्टॉलर्स और इनके जो हैंड बैग्स है उसके ऊपर भी सेल है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे वन बाय वन। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 50 ऑफ वाले जूते हैं, हील वाले भी होंगे, समर के, विंटर के, पम्प्स और सैंडल्स, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट कलेक्शन पे सेल है। तो इसके बाद फिर सैंडल और लास्ट पे ज्वेलरी और बैग हम कवर करेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो को तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हैं, प्राइस क्लियरली सबकी ऊपर मेंशन है, ठीक है जी, वाज एंड नाउ में। तो आप लोग वीडियो को देखते जाएं और जब आपने क्या करना है वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स तो आपने करना है क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे से बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं आपके। तो इससे पहले जो आपने देखी थी वीडियो वो शू बॉक्स की थी। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं आपको इस वीडियो से मैं दे देती हूँ। अगर आप लोग जूते बाय करना चाह रहे हैं तो अभी जिन ब्रांड्स पे सेल चल रही है उसमें शू बॉक्स है, उसकी वीडियो भी आप लोग देख चुके हैं। उसके अलावा मेट्रो पे सेल चल रही है, मेट्रो शूज़ पे, उसकी वीडियो भी आप लोग मेरी देख चुके हैं। उसके अलावा अभी बोर्जन पे सेल चल रही है, ये सीजन एंड भी है, ठीक है जी। तो ये आप आज अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो आप देखें कि जो अभी जो सेल्स चल रही हैं जूतों के ऊपर, इसके बाद अगेन मे बी हो सकता है कि फेब्रुअरी के लास्ट पे लगें, बट अभी उसका कंफर्म नहीं है क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जब सीज़न एंड सेल जो फर्स्ट लगती है, जब फर्स्ट सेल लगती है उसमें जो बहुत ही अच्छे अच्छे से, मतलब आप कह लें रीज़नेबल कह लें या अच्छे डिज़ाइन कह लें, वो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेल लगेगी उसमें फिर जो नहीं सेल हो रहे होते वो रह जाते हैं। जैसे अभी आप ये देखेंगे अगर अभी ये सेल लगी है तो इसमें जाहिर सी बात है नया स्टॉक नहीं आएगा, ख़ास तौर पे जूतों में कभी भी जूतों की कोई भी ब्रांड हो उसमें नया स्टॉक नहीं आता सेल में, के री स्टॉक नहीं करते वो इसी को ख़त्म करना चाहेंगे। और जो फर्स्ट अभी सेल है जब ये एंड हो जाएगी इसके बाद जब नेक्स्ट लगेगी, अगर आप लोग कहेंगे आप लोग चाहेंगे कि हम फरवरी के लास्ट पे जब फिर लगेगी या दोबारा जब फिर लगेगी सीजन एंड हम तब ख़रीद लेंगे, तो तब मेरा मशवरा है कि आप तब ना लें क्योंकि तब वो रह जाएंगे जूते जो बिल्कुल आप कह लें कि कोई अच्छे डिज़ाइन या कुछ नहीं होंगे, ठीक है जी, क्योंकि सेल के स्टार्ट में ही अच्छे डिज़ाइन निकल जाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोग चाहें तो अभी आप ले सकते हैं। ये देखें अब ये 3500 का जूता जो है वो 1600 में लगा हुआ है। तो क्योंकि ये लेदर के हैं जूते, सॉफ्ट होते हैं तो फिर इनकी प्राइस भी इसी रेंज में होती है, वो भी वैसे भी अब हाफ हो गई है। तो इस साइड पे यहाँ पर भी सेल है। अब यहाँ पर ये जो है आपने पहले तो समर विंटर के देखे हैं, अब यहाँ पर कुछ हील्स हैं, ये देखें 2900 में थी जो सिर्फ अब 1400 में है हाई हील। और इसी तरह से ये वाला जो जूता है ये देखें ये जस्ट 930 में है, अब पहले ये 1690 में था। इसी तरह से इस साइड पे देखें वन बाय वन हम सारे देखेंगे। अब यहाँ पर जो कलेक्शन है ये सारी है जी समर कलेक्शन है, तो आगे वैसे भी अब इसी का सीज़न आ जाएगा 780। ये जो है ये 830 में है, 830 में, तो ये आगे इनका सीज़न आ जाएगा क्योंकि अब वैसे भी शादियों का सीज़न आने वाला है। तो शादियों में तो आप लोगों को पता है कि हम लड़कियां बंद जूते भी नहीं पहनेंगी, तो इस तरह के जूते मैचिंग तो फिर लाजमी है। तो यहाँ पे ना मुझे बड़े अच्छे लगे हैं ये वाला सैंडल, ये देखें ये 1310 में है, इसकी नॉर्मल सी हील भी है, मेरे जैसे लोग जो हील नहीं पहनना पसंद करते नॉर्मल, ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है ब्लैक वाला। अच्छा वैसे मैं अभी आपको और दिखा रही हूँ, ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये 1400 में है, ये भी ठीक है लेकिन वो ब्लैक वाला बड़ा ग्रेसफुल सा है। और इस तरह से वो फिर ऐसे जूते हर सूट के साथ अच्छे लगते हैं जैसा भी कलर हो। यहाँ पर ये देखें ये 1250 में है हील के साथ,
और इस तरह की हील जो है ना ये थोड़ी इजी हो जाती हैं। फिर ये पहले 1590 में था, अब ये 850 में है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ ये वाला भी है, देखें कितना डिसेंट सा लग रहा है। और इस तरह का जूता, वैसे ऐसे जूता मैं आपको कोई भी दिखाऊंगी ना, मैं भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे भी कुछ जूते ना देखने में, हाथ में देखने में पकड़ के अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन जैसे ही वो जूता बंदा अपने पाँव में पहनता तो वो अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी जूता लें तो पाँव में पहन के चाहे जो पाँव में जूता आपको सूट करे, अच्छा लगे, वो लेना चाहिए, क्योंकि उससे बंदे को ये भी पता चल जाता है कहीं से चुभ तो नहीं रहा, कहीं से लग नहीं रहा, या फिर सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मोस्टली पहन के ही पता चलता जूते का। तो अब यहाँ पे इस साइड पे भी हैं सेल वाले, ये हैं, इन पे भी 50 है ऑफ। तो साइज़ अगर आप ऑनलाइन चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए शॉपिंग करूँ, तो साइज़ आप लोग वेबसाइट पे जा कर देख सकते हैं। जो लोग मतलब ऑलरेडी बॉर्जन के पहन चुके हैं या यूज़ कर चुके हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा। वैसे भी जो साइज़ चार्ट आप वेबसाइट पे जाएं तो साइज़ चार्ट होता है, उससे भी आइडिया हो जाता है। ये देखें ये 750 में है, कितने खूबसूरत से शूज़ हैं। और ये जो ये स्टफ़ होता है जूतों का, ये बड़ा ईजी रहता है सॉफ़ करने में, मतलब हल्का सा कपड़ा इसके ऊपर लगाएं तो ये ऐसे फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। तो डेली रूटीन के लिए, बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडीज़ आना जाना हो तो फिर इस तरह के जूते ठीक रहते हैं। ठीक है, मतलब अब अगर हम बात करें, अभी जैसे प्राइस रेंज की, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में, चाहे वो कपड़ों की हो, जूतों की हो, कोई भी हो, मैं आपको एक प्राइस रेंज बता देती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या प्राइस है। तो अगर आज की वीडियो की बात करें बॉर्जन की, तो 730 मतलब 730 से स्टार्ट है प्राइस, और फिर आगे डिफरेंट प्राइस है। ठीक है जी, तो आज की जो है प्राइस रेंज वो 730 है, 730 से जूते हैं। तो एक और मैं आपको बात बता दूं, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आप लोकेशन नहीं बताती, आप मतलब जगह नहीं बताती, शॉप नहीं बताती। तो मैं आप लोगों को आज, मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं ये नहीं भूल जाती कि लोकेशन बताना, मैं आपको ये बताना, इस बात का मैंने काफ़ी दफ़ा मेरे माइंड से निकल जाता आपको समझाना। ठीक है, आप लोग प्लीज़ एक छोटी सी बात नोट कर लें, जहन में बैठा लें कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक ब्रांच पे सेल हो दूसरी पे ना हो। जब ऐसा होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। वो तब होता है जब मतलब कोई मतलब सीज़न ना हो, जैसे आप कह लें कि मई जून, जैसे गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होगा तब गर्मियां ही रहेंगी, तब अगर कोई सेल लगती है उसमें हो सकता है किसी ब्रांच पे हो। लेकिन अभी ये जो सीज़न एंड सेल है, ये हर सिटी में, पूरे पाकिस्तान में, आपके शहर में, जहाँ से भी आप रहते हैं, जो भी आपका सिटी है, जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे जो भी बॉर्जन की आउटलेट है, जो भी शॉप है, हर जगह पे ये सेल है। ठीक है जी, इसी तरह से मैं, जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप कहते हैं कि मैं लोकेशन नहीं बताती, मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि मेरे माइंड में ये होता है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जो सेल होती है किसी भी ब्रांड्स की, मैं, आपको पता है कि मेरी वीडियो ब्रांड्स की होती हैं, ब्रांड्स के ऊपर ही होती हैं, तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान हर जगह पे होती है सेल, हर आउटलेट पे। ठीक है जी, जस्ट ये फ़र्क होता है कि मे बी मेरे वाली आउटलेट जो मैं शो कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, और बहुत दफ़ा वैसे ऐसा होता है कि वहाँ पर ही ज़्यादा डिज़ाइन सेल होते हैं, जो बड़े सिटी होते हैं वहाँ पर डिज़ाइन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पर सेल कपड़ों के ख़ास तौर पर डिज़ाइन नहीं होते, मेरा सिटी में डिज़ाइन ज़्यादा होते हैं, ये बात वैसे है, ये मैंने भी नोट की है, आप लोगों के कमेंट से भी मैंने ये चीज़ नोट की है। तो चलें इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि मैं आप लोगों को वीडियो की तरफ नहीं फोकस कर रही, लेकिन फिर ये चीज़ें भी आप लोगों को बताना ज़रूरी होती है, फिर वीडियो से थोड़ा ध्यान हट जाता है। अभी मैं आपको बैग दिखा रही हूँ, बैग की प्राइस सबके ऊपर है, और जो पहले दिखाए उन पे ऑफ था, और यहाँ पे अभी जो दिखा रही हूँ इन पे ऑफ है। ठीक है, और ऑफ में जो अगर बैग्स की बात करें, तो तकरीबन आपने एक सबसे शुरू में क्लच देखा था, वो तो 550 में था क्योंकि वो क्लच था, लेकिन अगर बैग्स की बात करें हम, तो 890 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन बैग्स के ऊपर मतलब